इंडिया टीवी आपकी आवाज। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ का कहर बरकरार। पिछले चार दिनों में 71 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 10,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान। 24 जून से 16 अगस्त तक 327 लोगों की मौत। हिमाचल के शहरी और ग्रामीण शिमला में आज सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद। बाकी जिलों में आज से स्कूल खुलेंगे। शिमला का सबसे पॉश और महंगा इलाका हिमलैंड डेंजर जोन में घोषित रिहायशी कॉम्प्लेक्स को खाली करवाया गया। रिहायशी कॉम्प्लेक्स जिस पहाड़ पर बना उसके नीचे हुई लैंडस्लाइड 1.5 करोड़ के फ्लैट वाले कॉम्प्लेक्स पर मंडराया, गिरने का खतरा। मंडी के शिला किपड़ में गांव में 3 बार फटा है बादल। मलबे से कई घर ध्वस्त, फसलें तबाह। मंडी में लगातार बारिश से हालात खराब। लैंडस्लाइड से मंडी मनाली नेशनल हाईवे पर दिखा बर्बादी का आलम। रुद्रप्रयाग के महमदेश्वर घाटी में फंसे लोगों को निकालने का अभियान जारी। हेलीकॉप्टर से निकाले जा रहे हैं फंसे हुए लोग। कांगड़ा में पोंग डैम से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से बाढ़ जैसे हालात। एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स ने 780 लोगों को निकाला। चंबा जिले के तीसा के चांजू नाला में बढ़ा जलस्तर। तेज धार में फंसे शख्स का किया गया रेस्क्यू। सीएम सुखविंद सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। कहा, हिमाचल के सामने पहाड़ जैसी चुनौती। हिमाचल के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला का बयान, राज्य सरकार लोगों की हर संभव मदद कर रही है, आपदा में सबको मिलकर करना होगा काम। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कृष्णा नगर इलाके का दौरा किया, प्रभावित लोगों से मुलाकात की, मदद का दिया भरोसा। कृष्णा नगर इलाके में ज्यादा नुकसान हुआ, करीब 250 परिवार प्रभावित हुए, मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान। उत्तराखंड में आज भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड में 2 नेशनल हाईवे सहित 158 सड़कें बाधित। सभी जिला अधिकारियों और आपदा विभाग को अलर्ट पर रखा गया। पंजाब के डेरा बस्सी में घग्गर नदी का बढ़ा जलस्तर, पानी के तेज बहाव में बह गया पुल। डाकुली और डेरा बस्सी को जोड़ने वाला पुल बहा, लोगों को हो रही है काफी परेशानी। पुल के मरम्मत का काम शुरू किया गया। प्रशासन घग्गर नदी के पास आसपास के गांव को खाली करा रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से घग्गर नदी उफान पर, पुल टूटने की वजह से यातायात ठप। पंजाब के गुरदासपुर और होशियारपुर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। खेत से लेकर रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। पंजाब के रूपनगर में बाढ़ आने से नांगल और आनंदपुर साहिब में भरा पानी। ड्रोन वीडियो में दिखा पानी में डूबा इलाका। मेरठ के हस्तिनापुर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी, बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया, लोगों की समस्याओं को लेकर चर्चा की। गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची, लोगों के बीच बांटी गई दवाइयां, बाढ़ से निपटने के उपायों पर भी लोगों से बातचीत की। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में 5 राज्यों में चुनाव पर हुआ मंथन, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 5 राज्यों से मिल रहे फीडबैक पर हुई चर्चा। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह सहित कई बड़े नेता रहे मौजूद। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 4 घंटे तक चली। बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ को ABCD कैटेगरी में बांटा गया। कैटेगरी BC और D की 27 सीटों पर हुई चर्चा। उम्मीदवारों के पैनल पर भी डिस्कस किया गया। सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता राजेश पायलट को बताया वायुसेना का वीर पायलट। कहा, उनका अपमान करके बीजेपी वायुसेना के बलिदान का अपमान कर रही है। राजेश पायलट पर अमित मालवीय की टिप्पणी के खिलाफ सीएम गहलोत ने किया सचिन पायलट का समर्थन। कहा, पूरे देश को इसकी निंदा करनी चाहिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर्यवेक्षक मैदान में उतरे। आज से 25 अगस्त तक टिकट के उम्मीदवारों की ग्राउंड रियलिटी की करेंगे जांच। कांग्रेस के सभी पर्यवेक्षक 15 सितंबर तक स्क्रीनिंग कमेटी की सौंपेंगे रिपोर्ट। पर्यवेक्षक 3-3 उम्मीदवारों के पैनल के साथ देंगे रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र को आज संबोधित कर सकते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। सुबह 11 बजे से शुरू होगी कार्यवाही। LG की आपत्ति के बावजूद बुधवार से बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, LG को आपत्ति जताने का अधिकार नहीं, नियमों के तहत है सदन की बैठक। दिल्ली की 7 सीटों पर मचे घमासान पर कांग्रेस की सफाई। दिल्ली इंचार्ज दीपक बाबरिया बोले, अलका लांबा का बयान कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं है। दीपक बाबरिया ने कहा, आज की मीटिंग पर गठबंधन पर नहीं हुई चर्चा, आम आदमी पार्टी में कुछ लोग इमैच्योर। कांग्रेस की सफाई पर आम आदमी पार्टी का आया रिएक्शन। कहा, गठबंधन पर टॉप लीडर्स लेंगे फैसला। अलका लांबा ने कहा था, कांग्रेस दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार। अलका लांबा के बयान आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने दी थी प्रतिक्रिया। अगर कांग्रेस हमारे साथ नहीं तो इंडिया अलायंस की बैठक में जाने का मतलब नहीं।
दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज, शीर्ष नेतृत्व करेगा फैसला। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा, गठबंधन पर फैसला लेने का काम पार्टी का, लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछता रहूंगा। दिल्ली कांग्रेस का बदल सकता है अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल ने नेताओं से की वन टू वन बातचीत। इंडिया अलायंस की बैठक को लेकर एमवीए नेताओं से चर्चा, तैयारियों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। मुंबई में होने वाली इंडिया अलायंस की बैठक में मोदी और बीजेपी के खिलाफ बनेगी रणनीति, शरद पवार ने दी जानकारी। केंद्र सरकार पर बरसे शरद पवार, सत्ता में बैठे लोग ताकत का कर रहे हैं गलत इस्तेमाल, जो बीजेपी को समर्थन देगा हम उसके साथ नहीं जाएंगे। अजित पवार से हुई मुलाकात पर बोले शरद पवार, किसी भी पद के ऑफर की नहीं है ये चर्चा। शरद पवार इंडिया गठबंधन के फेविकॉल है, उनके खिलाफ हो रही है साजिश, पवार गुट के विधायक जितेंद्र आवाहन का बयान। जितेंद्र आवाहन ने सभी अटकलों पर लगाया विराम, कहा शरद पवार कहीं नहीं जा रहे तो वो एमवीए और इंडिया के साथ। एनसीपी नेता सुनील तटकरे का बयान, शरद पवार ही हमारे नेता, संगठन को मजबूत करने को लेकर पार्टी प्रतिबद्ध। शरद पवार बड़े नेता, उन्हें लेकर कांग्रेस में नहीं जनता के मन में भ्रम, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का दावा, अलायंस के साथ कांग्रेस 42 सीटें जीतेगी। महाराष्ट्र के बीड़ में आज शरद पवार की स्वाभिमान रैली, एनसीपी ने बड़ी संख्या में लोगों से शामिल होने की अपील की। मुंबई में अजित पवार ने अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग की, शरद पवार की बीड़ में होने वाली रैली हुई रद्द। अजित पवार में बीड़ में कर सकते हैं एक जनसभा, 27 अगस्त को हो सकता है प्रोग्राम, बैठक में हुआ फैसला। महाराष्ट्र का सीएम बदलने जाने पर एकनाथ शिंदे का पलटवार, मुझे राजनीति में चित करने की कोशिश हो रही है पर सपना नहीं होगा साकार। झारखंड कांग्रेस के नेताओं से मिले मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का दिया निर्देश। केसीआर की बेटी के कविता का राहुल गांधी से सवाल, 62 साल के शासन में गरीब और मुस्लिमों के लिए क्या किया है। घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान ने भरा नामांकन, बीजेपी की जीत का दावा किया। यूपी के गोरखपुर में मनाया गया निषाद पार्टी का फाउंडेशन डे, कार्यक्रम में आए नेताओं को किया गया सम्मानित। मणिपुर हिंसा मामले की जांच राज्य पुलिस ने सीबीआई को सौंपी, सीबीआई ने 11 एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। सीबीआई ने हिंसा मामले की जांच के लिए 53 अफसर नियुक्त किए, डीआईजी रैंक के 3 अफसर भी जांच में जुटे। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक, सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों के लिए लगाया स्टे। डिमोलिशन ड्राइव पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश, रेलवे और केंद्र को नोटिस जारी, एक हफ्ते बाद अगली सुनवाई। मथुरा पहुंचे बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, रुद्राभिषेक कार्यक्रम में लिया हिस्सा, बोले जल्द मुक्त होगी मथुरा और काशी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में यात्रियों से भरी मिनी बस पलटी, हादसे में 13 लोग घायल। घायलों को रामनगर अस्पताल में कराया गया भर्ती, गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल रेफर किया। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा, पुलिस हादसे की जांच में जुटी। तेलंगाना के वारंगल में एक हॉस्पिटल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में लगी थी आग, अस्पताल में भर्ती 12 मरीजों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, आग से किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा। त्रिपुरा में अस्पताल में फंसा लिफ्ट, मरीजों और परिजनों के बीच मची अफरा तफरी। लिफ्ट से कूद कर निकले बाहर लोग, लिफ्ट में कई महिलाएं भी फंसी। यूपी के अलीगढ़ में पति ने की पत्नी की गोली मारकर हत्या, घटना के बाद पति फरार। पुलिस के मुताबिक पति पत्नी के बीच काफी दिनों से चल रहा था झगड़ा, दोनों ने 10 साल पहले की थी लव मैरिज। पुलिस ने मौके पर पहुंची, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जुटाए सबूत। यूपी के नोएडा में कार चोर गिरोह पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 2 कार चोर गिरोह गिरफ्तार। पुलिस ने पूछताछ के बाद चोरी की गाड़ियां बरामद की, पुलिस गिरोह के नेटवर्क की जांच में जुटी। एमपी के सतना में 5 साल की नाबालिग से बलात्कार, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी रेप केस में जमानत पर आया था बाहर, बच्ची को घुमाने के बहाने लेकर जा रहा था, घटना को अंजाम दिया। राजस्थान के कोटा में कोचिंग के छात्र ने सुसाइड किया, घर के वेंटिलेशन में फंदा लगाकर की आत्महत्या। बिहार के गया का रहने वाला था छात्र, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रयागराज जिला कोर्ट में अतीक अशरफ की शूटर्स की वीसी के जरिए पेशी, अब 24 अगस्त को तय होंगे आरोप। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, नक्सली संगठन से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मोदी कैबिनेट ने विश्वकर्मा योजना और पीएम ई बस सेवा को दी मंजूरी, विश्वकर्मा योजना के तहत शर्तों के साथ 1,00,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। पीएम ई बस सेवा के तहत देश भर में 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। मोदी कैबिनेट ने डिजिटल इंडिया के एक्सटेंशन पर भी लगाई मुहर, 14,903 करोड़ रुपए का फंड जारी किया। मुरादाबाद में
हेपेटाइटिस सी से बड़े मरीज जिला अस्पताल में इलाज के लिए सभी बंदोबस्त। भारतीय वायुसेना मल्टीनेशनल एक्सरसाइज का बना है प्लान, फ्रेंडली नेशन के एयरफोर्स होंगे शामिल। चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन अहम, इसरो दोपहर 1:08 पर चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को विक्रम लैंडर से करेगा अलग। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर खुद तय करेगा चांद का सफर। चांद से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी। इसरो के पूर्व साइंटिस्ट माइल स्वामी अन्ना दुरई के ने जताई उम्मीद, देशवासियों के लिए 23 अगस्त खुशी का दिन होगा, चंद्रयान 3 की सही लैंडिंग होगी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथियों का हमला जारी, पंजाब प्रांत के फैसलाबाद से कट्टरपंथी मुसलमानों ने एक चर्च में हमला किया। कट्टरपंथी भीड़ में चर्च में जमकर तोड़फोड़ की, फिर आग के हवाले किया। एक ईसाई युवक पर लगाया ईशनिंदा का आरोप। कट्टरपंथियों ने ईसाई युवक की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने ईशनिंदा का केस दर्ज कर युवक की तलाश शुरू की। पाकिस्तान के कराची में ईसाई समुदाय ने किया विरोध प्रदर्शन, चर्च पर कट्टरपंथी संगठनों के हमले का किया विरोध। ईसाई समुदाय ने पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ की नारेबाजी, कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। फैसलाबाद के चर्च ने ईशनिंदा के आरोप से किया इनकार, कहा चर्च की जमीन पर कब्जा करने और ईसाइयों को भगाने के लिए लगाए जा रहे हैं झूठे आरोप। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में दो विरोधी गुटों के बीच हिंसक झड़प, अब तक 45 नागरिकों की मौत। लीबिया के 444 ब्रिगेड और स्पेशल डिफेंस फोर्स के बीच सोमवार रात से हो रही है झड़प, अब तक 146 लोग हुए घायल। यूक्रेनी सेना का दावा, डोनेस्क क्षेत्र के ओरोजाइन में रूसी सेना का पीछे खदेड़ा, एक गांव पर किया गया कब्जा। यूक्रेनी सेना ने युद्ध का वीडियो जारी किया, रूसी ठिकानों की तरफ बढ़ते नजर आए यूक्रेनी टैंक्स। अमेरिका के हवाई द्वीप पर थम नहीं रही है जंगल की आग, अब तक 106 से ज्यादा लोगों की मौत। स्पेन के कैनरी द्वीप पर भड़की जंगल की आग, रिहायशी इलाकों की तरफ फैलने से रोकने में जुटे एयर फाइटर्स। कनाडा में फैलती जा रही है जंगल की आग, करीब 1000 फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे। मैकडॉनल्ड्स और सबवे के बाद फास्ट फूड चेन बर्गर किंग के टमाटर का इस्तेमाल किया बंद, टमाटर की बढ़ती कीमत और सप्लाई को की वजह बताया जा रहा है। गो फर्स्ट ने अपनी सभी उड़ानों को 18 अगस्त तक के लिए रद्द किया, कहा परिचालन संबंधी समस्याओं के चलते लिया फैसला। SBFC फाइनेंस के शेयरों की हुई बंपर लिस्टिंग, निवेशकों को मिला 59% का रिटर्न। ICC T20 रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा, शुभमन गिल ने हासिल की T20 करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग, कुलदीप यादव को भी फायदा। T20 बैटिंग रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव नंबर 1 पर काबिज, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर। आगरा के ताजमहल में किया गया क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का वीडियो शूट, फैंस ने खिंचवाई फोटो। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज गंवाने के बाद सुनील गावस्कर ने दी टीम इंडिया को सलाह, हार पर मत शर्माओ आगे बढ़ो। रोहित शर्मा के खेलने के अंदाज को लेकर पूर्व कप्तान कपिल देव ने दी अहम सलाह, कपिल ने रोहित को बेसबॉल अप्रोच के लिए कहा। वनडे वर्ल्ड कप के लिए रवि शास्त्री की सलाह, कहा ईशान शुभमन से ओपनिंग कराएं, विराट या रोहित नंबर 4 पर बैटिंग करें। विराट कोहली की कप्तानी पर खुलकर बोले ईशान शर्मा, कहा विराट जानते थे कि हर गेंदबाज से बेस्ट कैसे निकालना है। इंग्लैंड टीम पहली बार फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया 3-1 से हराया। इंग्लैंड की टीम का फाइनल में स्पेन से होगा, सिडनी में होगा मुकाबला। ब्राजील के फुटबॉलर नेमार ने सऊदी क्लब अल हिलाल से किया करार, ब्राजील के फॉरवर्ड ने PSG क्लब को छोड़ा। लियोनेल मेसी ने किया हैरान करने वाला गोल, इंटर मियामी ने लीग कप के फाइनल में बनाई जगह। रैपर रफ्तार अब एक्टिंग में आजमाएंगे हाथ, वेब सीरीज बजाओ से करेंगे डेब्यू। रफ्तार की वेब सीरीज बजाओ का ट्रेलर रिलीज, 2 करोड़ का बैग गायब होने की कहानी। सैफ अली खान को जन्मदिन पर जूनियर NTR का तोहफा, फिल्म देवरा में सैफ का फर्स्ट लुक किया रिलीज। सारा अली खान ने पापा सैफ अली खान का बर्थडे सेलिब्रेट किया, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। अभिषेक मल्हान को देखने हॉस्पिटल पहुंची मनीषा रानी, बोली असली विनर तुम ही हो, तुमने पूरे इंडिया का दिल जीता है। विजय देवरकोंडा का समानता के साथ रोमांटिक डांस, फिल्म खुशी में नजर आएगी जोड़ी, 1 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। सिनेमा के नए नियमों को लेकर अमेरिकी अभिनेता नोआ वाइल का धरना जारी, 100 दिनों से अधिक समय में हड़ताल पर है नोआ।